बहुत समय पहले की बात है, एक गांव में एक आलसी व्यक्ति रहता था। उनके उस घर में उसके बूढ़े माता पिता और उसके बीवी बच्चे रहते थे। सभी घर वाले उस आलसी व्यक्ति के स्वभाव से पूरी तरह से परेशान हो चुके थे। वह पूरे दिन सिर्फ अपना समय ही बर्बाद करता रहता था। उसके घर वाले कोई सा भी काम उस व्यक्ति को करने के लिए कहते थे तो वह आलसी व्यक्ति या तो उस काम को कल पर टाल देता था या फिर उस काम को समय निकल जाने पर करता था। इसलिए घर के ज्यादातर काम उस आलसी व्यक्ति की पत्नी ही कर लेती थी। वे सभी लोग चाहते थे कि वह आलसी व्यक्ति ठीक हो जाए, वह आलसी करना छोड़ दे। एक दिन उस आलसी व्यक्ति के माता पिता और उसकी बीवी ने उसे पास ही के गांव में रहने वाले एक संत के पास इस आस के साथ ले गए कि वह संत उसे ठीक कर देंगे। वे लोग उस व्यक्ति को लेकर उस संत के पास पहुँचे। तब उन्होंने देखा कि संत चौपाल पर बैठकर लोगों की समस्याएं सुनकर उनका समाधान बता रहे हैं। तब वे लोग भी वहां जाकर बैठ जाते हैं और अपनी बारी का इंतजार करने लग जाते हैं। कुछ समय बाद उस संत ने उस परिवार को अपने पास बुलाया और कहा, क्या समस्या है आप लोगों को, आप मुझे बताइए। तब उस आलसी व्यक्ति के पिता ने कहा, महात्मा जी, ये मेरा बेटा है, यह बहुत ही आलसी है। इसे कुछ भी काम करने के लिए कहते हैं तो यह उस काम को हमेशा कल पर टालता रहता है, कृपया आप इसका कोई समाधान कीजिए। उन पिता की बात सुनकर उस आलसी व्यक्ति के हाथों की रेखाएं देखी और हाथों की रेखाएं देखने के बाद वह संत बोले कि इन्हें समाधान की कोई जरूरत नहीं है। तब उसके पिता ने पूछा, ऐसा आप क्यों कह रहे हैं महात्मा जी। तब उस संत ने कहा कि यह व्यक्ति सिर्फ 3 दिनों का मेहमान है, 3 दिन के बाद इसकी मौत निश्चित है। पहले तो उन लोगों को संत की बातों पर यकीन ही नहीं हो रहा था, लेकिन वह संत बहुत ही जाने माने संत थे, इसलिए उन्हें उनकी बातों पर यकीन करना पड़ा। अपनी मौत की बात सुनकर वह आलसी व्यक्ति बहुत डरने लगा। उसे अपने आंखों के सामने अपनी मौत नजर आने लगी थी। वे लोग उस संत को प्रणाम करके वापस अपने घर आ गए। अब उस आलसी व्यक्ति को अपनी मौत की चिंता सताई जा रही थी। उसे समझ ही नहीं आ रहा था कि अब वह क्या करे। तब उसने सोचा कि क्यों न मैं इन 3 दिनों में कुछ ऐसा काम कर लूं जिससे मैं खुशी खुशी मर सकूं। अब उस आलसी व्यक्ति के सामने जो भी काम आ रहा था वह उसे बस करते जा रहा था। अब वह अपने एक पल को भी व्यर्थ नहीं गंवाना चाहता था, क्योंकि उसे पता था कि उसके पास टाइम बहुत ही कम बचा है। जैसे तैसे उस आलसी व्यक्ति का एक दिन बीत चुका था, लेकिन वह अभी पूरी ईमानदारी के साथ ये सोचकर काम किए जा रहा था कि उसके मरने के बाद उसके बीवी बच्चों को और उसके माता पिता को किसी के आगे हाथ फैलाने की जरूरत न पड़े। अब उस व्यक्ति का दूसरा दिन भी बीत चुका था। जब तीसरे दिन सुबह हुई तो वह व्यक्ति जल्दी से उठकर अपना बचा हुआ काम जल्दी जल्दी खत्म करने लगा। जैसे उसने अपना काम खत्म कर लिया, वह दौड़े दौड़े अपने माता पिता के पास जाकर उनके पैर दबाने लगा। वह चाहता था कि अब जितना टाइम मेरे पास बचा है उसमें से कुछ टाइम मैं अपने परिवार के साथ बिता लेता हूँ। अपने बेटे को यूं अपनी सेवा करते देख उसके माता पिता की आंखें भर आई। उस व्यक्ति के पास अब कुछ ही टाइम बाकी था। तब उसने सोचा कि आखिरी बार उस संत से मिलना चाहता हूँ जिसने मेरी आंखें खोल दी। इसी सोच के साथ उसने अपने माता पिता के पैर छूकर आशीर्वाद लिए और अपने बीवी बच्चों को कहा कि मैं जा रहा हूँ, पता नहीं वापस लौट पाऊँ या नहीं, तुम सभी अपना ख्याल रखना। और इतना कहकर वह व्यक्ति उस संत के पास जाने लगा। जब वह उस संत के पास पहुँचा तो उसने देखा कि वह संत ध्यान मुद्रा में बैठे हुए थे। तब वह व्यक्ति भी उस संत के पास जाकर बैठ गया। कुछ समय बाद जब वह संत ध्यान मुद्रा से बाहर आए तब उस व्यक्ति ने उस संत को प्रणाम किया और आशीर्वाद लिया और कहा, आपका धन्यवाद महात्मा जी, आपने मरने से पहले मेरी आंखें खोल दी। तब उस संत ने कहा, बस उस दिन मैंने जो कुछ भी तुमसे कहा था वो सब मैंने तुमसे झूठ कहा था। उस व्यक्ति ने कहा, मैं कुछ समझा नहीं महात्मा जी, आप क्या कहना चाहते हैं। तब उस संत ने कहा, तुम्हारी मृत्यु अभी नहीं होने वाली है, मैंने तुमसे ये झूठ कहा था कि तुम 3 दिन में मरने वाले हो, मैं चाहता था कि तुम अपने जीवन के महत्व को समझो, इसलिए मैंने तुमसे झूठ कहा। उस संत की बात सुनकर उस व्यक्ति की आंखों में आंसू आ गए। वह अपने जिंदा रहने की बात सुनकर बहुत प्रसन्न था। उस आलसी व्यक्ति को अब अपने जीने का असली मकसद मिल चुका था। हमारे टाइम की वैल्यू हमें तब पता चलती है जब हमारे पास टाइम कम हो, इसलिए अपने टाइम को वेस्ट मत करो, इसे अपने लक्ष्य को पाने के लिए इन्वेस्ट करो। इस कहानी से हमें यही सीख मिलती है कि हमें अपने टाइम को वेस्ट नहीं करना चाहिए, बल्कि हमें अपने टाइम को एक सही डायरेक्शन में यूज करना चाहिए जिससे हम अपनी लाइफ में सफल हो सके। अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को एक लाइक जरूर करें। आपका एक लाइक हमें बहुत ही ज्यादा मोटिवेशन देता है। और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना ताकि आप हमारे यूट्यूब फैमिली का सदस्य बन सके। जय हिंद, जय भारत।